सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों का 2 नवंबर से 8 नवंबर ये सप्ताह कैसा रहेगा। पहला सप्ताह है धनुराशि वाले जातकों पे चंद्र की क्या स्थिति रहेगी, चंद्र का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे इन हफ्ता में, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनुराशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा यह सप्ताह धनुराशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों चंद्रमा का गोचर धनुराशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा, जिसकी वजह से आपके ये भाव सक्रिय होंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में रहेगा, इसके चलते इस दौरान आप सक्रिय रहेंगे और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जिन कामों को करने में आप अक्सर हिचकिचाते हैं उन्हें भी इस दौरान आसानी से पूरा किया जा पाएगा। इस सप्ताह आप दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका पारिवारिक माहौल इस समय अच्छा रहने की उम्मीद है। छोटे भाई बहनों के साथ आप अच्छा वक्त बिता सकते हैं, इसके चलते आपके बीच प्रेम में प्रगाढ़ता होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाएं दिख रही हैं, इसलिए उनका ध्यान दें और समय रहते अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो घर में सुख सुविधाओं या नवीनीकरण को लेकर कुछ खर्चा हो सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आर्थिक मेहनत करने की आवश्यकता है, अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं इस राशि के शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष में कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आर्थिक जीवन भी अच्छा रहेगा, कहीं से लाभ होगा, आकस्मिक स्रोतों से लाभ होगा, या फिर आप कुछ नया करने का सोच रहे थे तो ससुराल पक्ष या ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आप नया रोजगार शुरू करने की चाह रहे हैं तो इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह मजबूत रहेगी। दोस्तों आप उपाय कर सकते हैं, इस सप्ताह पीली वस्तु का दान करें, पीले रंग की वस्तु जो होती है, येलो कलर की वस्तु का दान करें। शुभ अंक जो आपका रहेगा इस सप्ताह का 3.5 और 5 है। तो मित्रों ये था आपके साप्ताहिक राशिफल धनुराशि वाले जातकों का ये सप्ताह आने वाला कल से और 8 अक्टूबर तक, माफ़ करिएगा नवंबर तक कैसा रहेगा इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनुराशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है। चलिए मिलते हैं आप सभी मित्रों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये सप्ताह आपका मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे।